Hello art lovers, welcome back to my channel Swati Art and Soul. I hope you are doing very well. तो आज के वीडियो में हम दुर्गा माँ के स्केच को कलर करेंगे. कलर के लिए मैं कलर पेंसिल यूज में लूंगी और उसके साथ ही मैं आपको जो भी इम्पोर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स है वो भी शेयर करूंगी. आई होप आपने लास्ट वीडियो देख ली होगी. अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दिया है. एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. कलर शेडिंग हम लाइट टू डार्क स्टार्ट करेंगे. जैसा इसमें दिखाई दे रहा है कि चीक्स के पास में लाइट कलर है. मैं यहाँ आइवरी पेंसिल कलर यूज़ में ले रही हूँ. ये सबसे लाइट कलर होता है येलो के अंदर. तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे. लाइट है वो राइट साइड से आ रही है तो वहाँ का जो पार्ट होगा वो लाइट होगा. ब्लेंडिंग के लिए इसमें मैं वाइट कलर यूज़ में लूँगी. वाइट कलर इसलिए ताकि उससे जो भी ग्रैन्यूल्स होंगे वो थोड़ा स्मूथ हो जाएगा. आप इसमें ईयरबड्स भी यूज़ में ले सकते हैं या फिर टिश्यू पेपर की हेल्प से भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी यहाँ पर पेंसिल कलर यूज़ में लूँगी. ऐसे ही हम स्लोली थोड़ा थोड़ा पार्ट करते जाएँगे और उससे साथ के साथ हम ब्लेंड भी करते जाएँगे. हमेशा जब भी हम कलर्स यूज़ में लेते हैं पहले आप उसे किसी भी रफ़ पेपर पे यूज़ में करके देख लीजिए कि ये कलर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा. उसके बाद ही आप अपनी पेंटिंग में उसे यूज़ में लें. अब मैं सेकंड लेयर जो है वो लेमन कलर यूज़ में ले रही हूँ. उसके साथ ही मैं जो भी आउटलाइंस है वो लेमन कलर से करती जाऊँगी और जो वाइट कलर पेंसिल है उससे मैं इसके साथ ही ब्लेंड करती जाऊंगी. और जो दोनों लाइट और डार्क कलर हैं दोनों को मिक्सअप भी हमें साथ के साथ ही करना होगा ताकि वो अलग से शो ना हो. लेमन कलर यूज़ में लेने के बाद मैं डार्क कलर के लिए अब गोल्डन कलर यूज़ में ले रही हूँ. इस प्रोसेस को हम लेयरिंग बोलते हैं कि एक के ऊपर एक लेयर हम यूज़ में लेते जा रहे हैं. तो उससे ये होगा कि जब पेंटिंग फिनिश होगी तो थोड़ा सा उसमें HD लुक दिखाई देगा हमें. सेम ऐसे ही हम वाटर कलर के अंदर करते हैं. लाइट टू डार्क की तरफ चलते हैं. जैसे जैसे हम कलर्स यूज़ में लेते जाएंगे उसे हम साथ के साथ ही ब्लेंड भी करते जाएंगे वाइट कलर से ही. अगर आपको वाइट कलर सही नहीं लगता हो तो आप ईयरबड्स या फिर टिश्यू पेपर भी यूज़ में ले सकते हैं. ऐसे ही हम स्लोली जो भी फेस है उसे कवर करते जाएंगे. जहाँ पर लाइट कलर है वहाँ हम लाइट से यूज़ में लेंगे और उसे ब्लेंड करते जाएंगे पेंसिल कलर से और फिर उसके ऊपर हम डार्क कलर की लेयर यूज़ में लेंगे. और आप अपने फिंगर से भी इसे ब्लेंड कर सकते हैं ताकि थोड़ा सा स्मूथ हो जाए. अगर जहाँ पर भी थोड़ी बहुत ग्रैन्यूल्स अगर रह गए होंगे तो वो फिंगर से ईजीली ब्लेंड हो जाएंगे. आईब्रोज में मैं यहाँ पहले ब्राउन कलर यूज़ में ले रही हूँ. ब्राउन के बाद में मैं उसमें ब्लैक कलर यूज़ में लूँगी क्योंकि अगर आप डायरेक्टली ब्लैक कलर यूज़ में लेंगे तो वो थोड़ा सा आर्टिफिशियली शो होगा. तो आप जब भी आईब्रोज ड्रॉ करें तो पहले आप डार्क ब्राउन से स्टार्ट करें. डार्क ब्राउन से आप उस पर ब्लैक कलर यूज़ में ले सकते हो. अभी यहाँ आईब्रोज एंड आई ब्लेंडिंग के लिए मैंने ईयरबड को यूज़ में लिया है क्योंकि अगर हम वाइट पेंसिल यूज़ में लेंगे तो ब्लैक के ऊपर वाइट अलग सा ही शो होगा. इसलिए आप इसे जब भी ब्लैक कलर यूज़ में लें आप या तो ईयरबड से उसे ब्लेंड करें या फिर टिश्यू पेपर से ब्लेंड करें.
इरेजिंग के लिए मोनो ज़ीरो इरेजर यूज़ में ले रही हूँ। इसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आप बिगनर हैं तो आपको इतने एक्सपेंसिव इरेजर लेने की ज़रूरत नहीं होती, आप नॉर्मल जो इरेजर हैं उसे आगे की टिप्स से भी उसे यूज़ में ले सकते हैं। जब भी हम कलर करें हमेशा याद रखें कि कभी भी पूरा जो भी कलर होता है वो हमें पूरा एक साथ नहीं करना है, हमें थोड़े थोड़े पार्ट्स को ही करना है और थोड़े थोड़े पार्ट को करके उसे ब्लेंड करते जाना है साथ के साथ। लाइट कलर के लिए मैं आइवरी शेड यूज़ में ले रही हूँ और डार्क कलर के लिए मैंने लेमन एंड गोल्डन येलो यूज़ में लिया है। ज्वेलरी में कलर करने के लिए मैं येलो ऑकर कलर यूज़ में ले रही हूँ और जिस पार्ट को हमें हाईलाइट करना है फेस के अंदर वहाँ मैंने डार्क ब्राउन कलर यूज़ में लिया है। देख रही होंगी कि चीक्स के लिए मैंने सबसे पहले लाइट कलर यूज़ में लिया है आइवरी, उसके बाद में उस पर लेयर कर रही हूँ लेमन कलर की, लेमन के बाद में मैंने उस पर कलर किया है गोल्डन येलो कलर, उसके बाद जहाँ पर शेडो दिखाई दे रही है वहाँ पे मैं ब्राउन कलर यूज़ में ले रही हूँ। और ब्लेंडिंग के लिए मैंने यहाँ पर वाइट कलर यूज़ में लिया है और उसके साथ ही मैंने उसमें अपनी फिंगर से उसे अच्छे से ब्लेंड कर दिया है।
तो कलरिंग में हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम माता जी का जो ज्वेलरी पार्ट है वो कंप्लीट करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट यू आर गिविंग इट टू माई चैनल। स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। बाय, हैव अ नाइस डे एंड कीप वॉचिंग स्वाति आर्ट एंड सोल।